मोहन भागवत जी की अगर कहा जाए तो दंडवत प्रणाम है उन नेता को, वैसे नेता ही कहा जाएगा, सामाजिक कार्यकर्ता नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने ही गुट पे, अपने ही संगठन पे कई सालों से, कई दशकों से अध्यक्ष का चुनाव नहीं होने दिया। वो शीर्ष गद्दी पे लगातार बैठे हुए हैं, कोई और काबिल है ही नहीं। मतलब आरएसएस कहा जाए, आरएसएस का मतलब है मोहन भागवत, बस। तो ठीक है, और रही बात उनका कहा है ना कि जातीय जनगणना की जरूरत नहीं है, तो वो क्यों नहीं है वो सबको पता है। मेरे दलित भाई अच्छे से जानते हैं कि 100 में से 90 शोषित हैं, शोषित उन्होंने ललकारा है, भूभाग राजपाट पे 90 भाग हमारा है, तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी ठीक है उतनी उसकी भागीदारी, खत्म करनी सदा। कहा कि दलितों पे कांग्रेस की फितरत है राजनीति करना, तो आप करो ना, दलितों को कहा, मतलब कांग्रेस की फितरत है तो आपने दलितों का कब साथ दे दिया? बच्चा जानता कि दलित विरोधी हो आप मुझे बता दीजिए, आरएसएस का प्रमुख कौन सा दलित बना था बताइए, कौन बना था? लेकिन वो देश को जोड़, मुझे आप बताइए, बात जोड़ बिल्कुल मान लिया, वो ऐसे दोनों बाहें फैला करके बात जोड़े, अभी उनकी बात को स्वीकार लेते हैं, आज वो अपना त्याग पत्र दे और कल किसी दलित को आरएसएस का प्रमुख बना दे। मोहन भागवत का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं आप? मैंने कब मांगा? ये तो त्याग पत्र क्या होता है? नहीं, त्याग पत्र रोटी सिकनी चाहिए, पलटनी चाहिए, ठीक है, अध्यक्ष तो बार बार होना चाहिए, बदलना चाहिए। राहुल गांधी जब अध्यक्ष थे कांग्रेस के तो ये बार बार कहते थे एक पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं बदल पाती, बदल दिया, खड़गे जी हैं इस समय, ठीक है, वो क्यों नहीं बदलते हैं? सवाल तो ये भी पूछते थे ना, इनका अध्यक्ष क्यों नहीं बदलता है? मतलब आरएसएस जो है दलितों का विरोधी है, ये तो आप और दलित भाई जो है, मेरे बहुजन भाई है, वो कुछ जानेंगे कि कौन विरोधी है कौन नहीं है। आजकल ना बरगलाने की जरूरत नहीं है, उन्हें अच्छे से पता है कि उनका हितेशी कौन है, उनका साथी कौन है और उनके सामने खड़ा दलाल कौन है, उन्हें बहुत अच्छे से पता है। मोहन भागवत ने गलत बयान दिया है तो फिर चंद्रशेखर, मायावती कहाँ है तमाम लोग? मैंने बयान गलत कहाँ दिया, उन्होंने कहा नहीं होनी चाहिए, अपना ओपिनियन दिया है, तो मैं उनसे यही तो कह रहा हूँ कि जैसे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसी तरीके से जैसे कि उन्होंने अपने संगठन में अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं होने दिया। उन्होंने इसलिए तो कहा इंडिया गठबंधन जो है गंदी राजनीति कर रही है। अरे इनकी आदत है, नहीं इनकी आदत है, एक हमारे देश का धुरंधर बल्लेबाज, लंबे लंबे छक्के मारने वाला, बड़ी बड़ी तेज से बाउंड्री को दूर पहुंचा, बॉल को दूर पहुंचाने वाला, इतना बढ़िया स्ट्राइक रेट से खेलने वाला, 150, 160, 170, 180 की स्पीड से बॉल फेंकने वाला, आईसीसी का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। पहले बीसीसीआई का हुआ, फिर बाद में आईसीसी का चुना गया। उनकी क्रिकेट प्रतिष्ठा को तो मैं सलाम करता हूं, बधाई देते हैं भाई, उन्हें बधाई देते हैं, उन्हें मतलब फूल माला मिठाई जो समझो उसके द्वारा बधाई देते हैं। ऐसे कलाकार को, ऐसे खिलाड़ी को हम वहां तक पहुंचने की बधाई देते हैं, और वो भी निर्विरोध, बहुत बड़ी बात है। इनकी आदत है निर्विरोध जीतना, गुजरात के अंदर 2 सीट इन्होंने निर्विरोध जीती थी लोकसभा की, ठीक है, तो ऐसी बहुत जगह वो निर्विरोध बैठते हैं। मोदी जी आप एक बात बताइए मेरे को, ये हमारा मुद्दा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, वो ना कहते हैं, उनके पास आज समय है, अपनी साख बचा ले, गद्दी पे बैठे हुए, जिस दिन गद्दी पे कोई और आएगा वो जाति जनगणना करेगा, बस खत्म बात। हमारे लिए मुद्दा है तो है और रहेगा, उनके लिए नहीं होगा मुद्दा। उनके लिए मुद्दा है कहा? उनके लिए 5 किलो राशन है, वो तो कहते ही है मुद्दा, रोजगार उनके लिए मुद्दा कहा है? अगर उनसे बात करें रोजगार के लिए, रोजगार है स्टूडियो के बाहर, आपके स्टूडियो के बाहर कोई बैठ के मतलब 200 रुपए की दिहाड़ी बनाता है पकौड़े बेच के, उनके लिए मुद्दा यही है रोजगार, जिसे कमाने का हुनर हो पंचर लगा ले, वो तो यूं कहते हैं। लेकिन एमबीए करने के बाद मैं एमबीए पकौड़े वाला बनूं, एमबीए चाय वाला बनूं, जैसे वो एमबीए चाय वाला बना है, वो एमए चाय वाला था ना जिसकी डिग्री एमए की है, हस्तलिखित जमाने की कंप्यूटर डिग्री है जिसकी, जातीय जनगणना से क्या फायदा होगा? कैसे नहीं फायदा होगा, हमें पता चलेगा कि हमारे कितने भाई कहां पर हैं और कौन कौन है, किस किस समाज को कैसे कैसे उन्नति तक पहुंचाना है, सही संख्या पता चलेगी, सही स्थिति पता चलेगी, और असल सुविधाएं जिनके पास पहुंचना है और उन कितने संख्या में और कितना वो पीछे वंचित रह गए हैं। मोहन भागवत ने ये कहा अगर जाति जनगणना होगा तो कितना किसको कितना दबाना है, कितना जलील करना है, जुल्म करना है, ये करेंगे कांग्रेस इंडिया गठबंधन। ऐसा ना उनकी उनके लिए मानसिकता उनकी ऐसी बनी हुई है कि वो लोगों तक मैसेज गलत रूप पहुंचाते हैं, ठीक है, उन्होंने ये आदत बना ली है अपनी कि पहुंचाना कुछ और है। अरे मोदी जी या मोहन भागवत जी तो देश जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो देश जोड़ने के लिए मैंने कहा ना, देश जोड़ना तो तरीके से जोड़ो, नहीं देश जोड़ना तरीके से जोड़ो, आज ही जोड़ डालो, आज ही एक दलित भाई को हमारे, क्योंकि इससे हिंदू और जो हिंदू का ना वो चलता है एक कि हिंदुओं की साख मजबूत होगी, दलित भाई को हमारे एक बहुजन भाई को किसी भी समुदाय से किसी भी समाज से उठा करके सीधा आरएसएस की गद्दी पे बैठा, और ऐसे काबिल नहीं है क्या? राष्ट्र की बात कौन करता है? राष्ट्र की बात सब करते हैं, नहीं आप लोग, आप और मैं नहीं करते हैं, आप नहीं करते हैं, बेशक आप 500 रुपए पेटीएम लेके करते हैं, पर करते तो आप भी हैं। मोहन भागवत जी क्या चीज, राष्ट्र की बात कौन सी कर दी उन्होंने, कौन सी राष्ट्र की बात करी बताएंगे प्लीज आप? उड़ने में तो लगे हैं ना, राष्ट्र बनाने में लगे हैं ना, कैसे बना रहे हैं राष्ट्र, मैं तो पूछना चाहता हूँ ना आपसे, मुझे भी तो पता चले राष्ट्र बनाने में क्या उनकी भूमिका है, क्या भूमिका निभा रहे हैं वो।
हिंदुओं को जोड़ रहे हैं, दलित कैसे जोड़ रहे हैं, हिंदुओं को हिंदुओं को कैसे जोड़ रहे हैं? आप ही सवाल पूछ रहे हो और आप ही जवाब नहीं दे रहे, हिंदुओं को कैसे जोड़ रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि मैं कोई विवादित बयान दूं? नहीं भाई साहब, मैं इतना समझदार जरूर हूं कि मैं इतने से बता दूं कि सबको पता है वो कैसे सबको जोड़ रहे हैं। उनके राज में हिंदू खुश है ना? कैसे खुश? उनका राज है। धन्यवाद मीडिया को भाई, मैं मीडिया को आभार प्रकट करता हूं कि वो ये कह रहे हैं मोहन भागवत का राज है। ठीक है, पहले तो हम ही कहते थे कि मोहन भागवत के हाथ से मतलब सरकार चल रही है, आरएसएस के द्वारा सरकार चल रही है, अब आप भी कह रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, इससे सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन हाँ, इस राज वाली सरकार में युवा परेशान है, किसान परेशान है, ठीक है, और वैसे भी यहां पर लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसमें काबिलियत होगी वो राजा बनेगा। ठीक है, मोहन भागवत ने बयान देकर ये तो साबित कर दिया ना कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। तो ये साबित कर दिया कि उनकी मानसिकता क्या है। वो सबसे पहले ये बताएं कि अगर वो ये कहते हैं कि जातीय जनगणना होना नहीं जरूरी है, तो सबसे पहले अपनी गद्दी पे आरएसएस का इतिहास बदल दें। जैसे उन्होंने तिरंगा इतने सालों तक अपने यहां पर नहीं फहराया ना, अपने कार्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया, वैसे वो आज एक नया रिकॉर्ड बना दें, आज ही कहें कि भैयो मैंने गद्दी छोड़ी, अब गद्दी पे बैठाता हूं मेरा एक बहुजन भाई, मैं समझ जाऊंगा कि वो एक तरह से जाति विरोधी नहीं है। मोदी सरकार तो नहीं करेगी, क्या करेंगे आप लोग? मोदी सरकार और आरएसएस से क्या मतलब है? आप खुल के कहिए ना कि आरएसएस और मोदी सरकार एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, कोई हेड है कोई टेल है। ठीक है, वो आप कह नहीं पाएंगे ना। वो जो कहते हैं ना कि एक बहुत बढ़िया मैंने आजकल लिखा है, पत्रकारों के लिए स्पेशली लिखा है, ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा, ये जो सरेआम बिक रहे हो तुम, जो ये जो सरेआम बिक रहे हो तुम नमक और पानी पे जो बिक रहे हो, हंस रहे हैं आप हंस रहे हैं, मतलब बिकने का जैसे सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं आपको शर्म नहीं आ रही, लज्जा तनिक भी लज्जा नहीं है, चलो फिर पूरा ही सुनो। ये जो सरेआम बिक रहे हो तुम नमक और पानी पे, गिरा है तुम्हारा किरदार, दाग लगा है तुम्हारी हर एक कहानी पे, ठीक है, और ये चंद पैसों में बेच देते हो जमीर अपना, ये जो चंद पैसों में बेच देते हो जमीर अपना, अरे धिक्कार है मुझे तुम्हारी ऐसी जवानी पे। और जवान पत्रकार हो, तुम्हें तो कलम ऐसे चलाना चाहिए, तुम्हें कहते हैं ना कि पत्रकार जो होता है, मतलब कहते हैं पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, ठीक है, और इन्हें लिखना था कलम के साथ, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कमल के साथ। चलिए अब इसका जवाब दीजिए, राहुल गांधी जो है डंके की चोट पे कहते हैं जातीय जनगणना कराएंगे, कितने राज्यों में हुआ अभी तक? राज्यों में कैसे हो जाएगा? केंद्र सरकार के अधीन होता जनगणना या राज्य सरकार के अधीन होता है? आप अपनी नॉलेज को पहले दुरुस्त कीजिए। जाति सर्वे तो करवा लेते हैं। किसको? जाति सर्वे? आप इस बात को समझिए, क्या वो मान्य होगा? क्या वो मान्य होगा? तो क्या हो गया, उससे क्या रिजल्ट निकल के आ गया? जब कोई केंद्र सरकार, क्योंकि जनगणना अगर आप पढ़ेंगे तो लोग केंद्र सरकार ही करती है, ठीक है, अगर केंद्र सरकार कराती तो मान्य होगी, उसका रिजल्ट निकल के आएंगे, अन्यथा अगर ये 24 में रिजल्ट ऊपर नीचे नहीं हुआ होता ना, जो कि थोड़ा बहुत हो गया है, सो कॉल्ड आपको भी पता कैसे हो गया है। बिहार में क्या करवाया था? मैंने क्यों करवाया था? और आप सरकार किसकी है? हमने अगर करवाया भी था, मनसा थी, हाँ तो क्या मनसा थी और क्या करके दिए? बिहार में तेजस्वी की सरकार आई, साथ में नीतीश बाबू के साथ में पलटू चाचा के साथ में सरकार आई, और वहां पर देखो कैसे धड़ाधड़ वैकेंसी आई, कैसे धड़ाधड़ इस वो मिले, और कितने साल से इनकी सरकार चली, सिंगल मतलब छपरा के नीचे शिक्षिका की भर्ती हुई है, आपने वीडियो भी देखा होगा, वहां का स्ट्रक्चर कितना बेकार है सब जानते हैं। क्यों डरता हूँ? आप डरते हैं, आप नहीं बता पा रहे कि उनसे जाके ये पूछे माइक लगा के, सुनिए भागवत जी, अब की बार आरएसएस का प्रमुख क्या कोई बहुजन बन पाएगा? क्यों नहीं पूछते हैं? आज तक के इतिहास में बता दीजिए कि कोई बहुजन हमारा भाई आरएसएस की गद्दी पे बैठा हो। मोहन भागवत ने कहा था ना कि हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है, अलग करने में आप लोग लगे हैं। भाई साहब अलग मैं नहीं करने में लगा पड़ा हूं, मैंने 50 बार बताया है, कुछ ऐसे नेता है अगर हमारे पड़ोस में पाकिस्तान और देश में मुसलमान नहीं होता उनकी रोटी नहीं चलती, क्योंकि अगर उनके किसी भी भाषण में उठा लो पाकिस्तान, चीन तो खैर बहुत गलती से बोल देते हैं, और मुसलमान, इसके सिवा उनका कोई मुद्दा नहीं है। चले जाएंगे कश्मीर पे जो हुआ था, जो नरसंहार हुआ उस समय सरकार किसकी थी, किसने समर्थन दे रखा था, विरोध का क्या मंशा हो सकती है, आखिर में बता दीजिए क्या चीज मंशा क्या हो सकती है विरोध करने का? विरोध करने का मंशा ये है कि ये जो सारी चीजें हो रही है ना, जिसको जितना दबाया जा सकता है उसे दबाने की लिमिट बरकरार रहे, अगर उनकी सही संख्या आ गई तो उनको पता चल जाएगा कि हमारी संख्या इतनी है और हमारी हिस्सेदारी इतनी है, हमारी भागीदारी इतनी है, वो इस बात से डर रहे हैं। चाहते हैं मोहन भागवत माफी मांगे? मोहन भागवत माफी मांगे, उनका माफी मांगने का मतलब ही नहीं है, वो क्यों माफी मांगे? हम तो उनको सीरियस ले ही नहीं रहे, ये आप सीरियस ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो सरकार का हिस्सा है, आपने सवाल पूछा, मैं तो ले ही नहीं रहा सीरियस, कौन ले रहा माहौल में, किसी और ने लिया माहौल में? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि विरोधी हैं ये लोग। हाँ तो बिल्कुल, हम भी कह रहे हैं विरोधी हैं हम भी लोग,
वो लोग विरोधी हम भी यही बात कह रहे हैं, बस जनता जानती है कि किसको चुनना है और कौन उनके साथ आएगा।